हेलो गाइस एंड वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल एआर एजुकेशनल हब। तो इस वीडियो में आप सभी को बहुत ही बड़ा इन्फॉर्मेशन देने वाला हूं। जैसा कि मैं आपको बता दूं, नीट 2022 का डेट जो है, बहुत सारे स्टूडेंट्स कंफ्यूज थे कि आखिर एग्जाम जो है वो कब होगा, क्योंकि पिछले दो साल से जो एग्जाम है आपका सेप्टेम्बर में हुआ था, 12 सेप्टेम्बर को और 13 सेप्टेम्बर को। तो क्या इस बार भी एग्जाम जो है वो सेप्टेम्बर में होती, तो ये बात जो है बिल्कुल क्लियर हो चुकी है। क्या एग्जाम जुलाई में होगी, ये भी बात आप सारा बात क्लियर हो चुका है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जो आपका एग्जाम डेट है वो आप लोगों को मिल चुका है, शेड्यूल हो चुका है, ठीक है, 2 तारीख से। तो गाइज 2 अप्रैल से आप इनरोलमेंट कर सकते हैं। आज 31 मार्च है, तो आज जो है आप लोग का शेड्यूल आ चुका है और 2 अप्रैल से आप अपना इनरोलमेंट कर सकते हैं 7 मई तक। 7 मई तक आप अपना जो रजिस्ट्रेशन है वो क्लियर कर सकते हैं। देन उसके बाद 5 दिन का करेक्शन विंडो ओपन होगा, यानी 8, 9, 10, 11, 12, ये 5 दिन में आपको जो भी लगता है, जो भी करेक्शन करनी है, वो आप करेक्शन विंडो ओपन होगा, आप करेक्शन कर सकते हो, ठीक है। और जो मई है आपका जो एग्ज़ाम है वो 17 जुलाई को, यानी 17 जुलाई उस दिन संडे पड़ रहा है, यानी एग्जाम जो है वो 17 जुलाई पहुंच गई। मैंने भी आप लोगों से कहा था कि जुलाई में आप लोगों का एग्जाम होगा, ये भी बात बिल्कुल सही हुई है, ठीक है। तो 17 जुलाई से आप लोगों का नीट एग्जाम है और संडे पड़ रहा है उस दिन, क्योंकि मई में जो लास्ट मई आई थिंक 26 या फिर अप्रैल 26 से शायद यहां पर अभी एग्जाम होने वाला है सीबीएसई का 10th और 12th का, तो उस वजह से डेट एक्सटेंड किया गया था, ठीक है। तो जो एग्जाम है वो क्लियर हो चुका है कि आप लोग का जुलाई में एग्जाम होने वाला है, 17 जुलाई को कंफर्म डेट है, तो बिल्कुल इसको ध्यान में रखिएगा, ठीक है। मिलते हैं आप सभी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।